વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજકીય માહોલ સતત જામી રહ્યો છે। રાજકીય પાર્ટીઓના આક્ષેપોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે। રાજકીય પાર્ટીઓના નેતાઓને વધી ગઈ છે। પત્રકાર સાથેના સંવાદો પણ વધારે દેવામાં આવ્યા છે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી દ્વારા કેટલાક મહત્વના મુદ્દા પર આજે પત્રકાર પરિષદને સંબોધવામાં આવી છે। છેલ્લા લાંબા સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતમાં શાસન કરી રહી છે ત્યારે વિકાસ કેવી રીતે થાય તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપ્યું છે। સ્થાયી સરકારના પોતાના વિસ્તારમાં વિકાસના અનેક શિખરો સર કરે છે કે જે પૈકીનું ગુજરાત ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। ગુજરાત દેશ આખાને નેતૃત્વ આપી રહ્યું છે। મિત્રો, ગુજરાત મે ચુનાવ કી પ્રક્રિયા અબ ઉત્તરોત્તર આગે બઢ રહી હૈ। પ્રથમ ચરણ કે વોટિંગ કા સમય નિકટ આ રહા હૈ ઓર હમારે અનેક કાર્યકર્તાઓ ઓર નેતાઓ કા द्वितीय चरण का सघन जनसंपर्क और रैली और जनसभाओं का कार्यक्रम 22 तारीख से चल रहा है और उसी सिलसिले में मैं आज यहां सूरत में आया हूं। गुजरात में जो एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ 1995 के बाद से एक बदलाव आया और पूरे देश ने गुजरात के उस मॉडल को देखा और सराहा। परंतु जब हम यहां सूरत की धरती पर आकर विचार करते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश यह धरती देती है कि अगर लंबे समय तक किसी पार्टी को किसी स्थान पर सत्ता संचालन का अवसर मिले तो किस प्रकार का परिवर्तन आ सकता है, उसका उदाहरण सूरत है। मुझे याद है कि जब हम लोग बहुत यंग थे, छात्र जीवन से जस निकले थे, तब सूरत में प्लेग फैला था। ऐसी विकट परिस्थिति थी, 1994 का शायद वर्ष था और उसके बाद 1995 में फिर सफाई हुई और राजनीतिक दृष्टि से भी सफाई हुई और यहाँ पर नगर निगम में एक बदलाव आया और आज 27 वर्ष के बाद सूरत भारत के सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी यानी टॉप जो 2-3 शहर हैं सबसे सफाई में उनमें से एक आकर खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, यहाँ पर चाहे गार्बेज हो उसका कलेक्शन, चाहे रात में क्लीनिंग हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि आज वो जहाँ पर कि कभी गंदगी के कारण महामारियों का प्रभाव रहता था वो सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार हो गया। यह बदलाव होता है। उसके उपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ 100-120 से अधिक फ्लाईओवर्स बने, सबसे बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बसेस के माध्यम से है उसका प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर यदि जल प्रबंधन के मामले में गुजरात लगातार 3 वर्षों से